मैं रिसेंटली हिल स्टेशन गया था। आपने देखा हिल स्टेशन पे ना सबसे ज्यादा बदमाश होते हैं वहाँ के बंदर। हमेशा कहानियां सुनने को मिलती कि किसी बंदर ने टूरिस्ट का मोबाइल चुरा लिया, किसी लेडीज का पर्स छीन लिया। मैंने हिल स्टेशन पे वहाँ पे ये रूमर था कि वहाँ पे किसी बंदर ने वो उतरा और वो एक आदमी को टूरिस्ट को थप्पड़ मार के चले गया। और मैं सोचता था कि अगर आप वो आदमी हो जिसको बंदर ने थप्पड़ मारी है तो अब आप ह्यूमन रेस के नाम पे कलंक हो, आप धब्बा हो। मतलब आपने बंदर से थप्पड़, बंदर बेसिकली वो ड्रॉप आउट है जिसका एवोल्यूशन का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। मतलब आपने एवोल्यूशन का ITIM किया, उसका AI EEE भी नहीं हो पाया है, वो इतना पीछे है। और एक बार आपने बंदर से थप्पड़ खा ली तो अब आपकी जिंदगी में कभी इज्जत नहीं होने वाली, आप भूल जाओ। मतलब हमेशा आप पे ताना मारा जाएगा, आपका वाइफ से आर्ग्यूमेंट चल रहा है, वाइफ नहीं उस दिन भी बंदर को आपने इरिटेट किया होगा यार, कुछ गंदे गंदे इशारे, रेंचो रेंचो बोला होगा, कुछ तो आपने किया होगा, शर्मा जी को तो नहीं मारी थप्पड़। आपके घर में कोई इज्जत नहीं है, बेटे आपको चिढ़ा रहे हैं, बेटे के कमक साहब बेटे की पिटाई करी जाए लगा रहा। अरे भाई आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपके घर में सही में हुआ है ये। और मैं जैसे सोचता था कि अगर मैं बंदर हूँ जिसको मैंने अगर थप्पड़ खाई है, मैं वो आदमी हूँ, तो मैंने कुछ बहुत ही गंदा किया हुआ यार, टू डिजर्व दिस, बहुत गंदे पाप किए हो यार। मैंने मर्डर किया हो, किसी का खून किया हो, राइट, या मैंने अंधेरे भिखारी को नकली नोट दिया हो, या पिछले जन्म में मैं अंग्रेजों की फौज से लड़ा हूँ, कुछ तो मैंने घटिया काम किया हुआ टू डिजर्व दिस यार। अगर मुझे बाद में पता चले कि मेरे को ऐसी थप्पड़ मारी गई थी क्योंकि दो बंदर आपस में केला घुमा के थ्रू तो डेयर खेल रहे थे और उस हरामी को दूसरे ने डेयर दिया था,